नमस्कार, योगा माइंड लाइफ पर आप सबका स्वागत है। हीलिंग पे हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, आज का वीडियो भी हीलिंग पे है, लेकिन आज का वीडियो हमारे शरीर के सबसे विशेष पार्ट हमारे ब्रेन पे है। ब्रेन हीलिंग कैसे करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ब्रेन हीलिंग पे हमारे 3 कोर्सेज भी हैं। ये कोर्सेज ऑनलाइन हैं, उसमें हम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पर हीलिंग करना सिखाते हैं। ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं ना, इनके हम हीलिंग करते हैं। इन जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन भी हैं, इसके अंदर ग्लैंड्स हैं ऐसे जो हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं, सीक्रेशन होता है, उन पे भी हम मेडिटेट करते हैं। हालांकि कोई अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसकी जो सलाह है डॉक्टर से लेनी चाहिए। हम जो बात बताते हैं वो योगा और मेडिटेशन से जुड़ी हुई बताते हैं, वो मेडिकल साइंस का अगर कोई सलाह लेनी हो तो वो हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। उसके लिए हम हमारी क्वालिफिकेशन वैसी नहीं है, आप उसके लिए डॉक्टर से मिलना होगा। लेकिन हम हीलिंग जो पद्धति है उस पर हम काम करते हैं। तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पे हीलिंग की जाती है। सबसे पहले हीलिंग के लिए जो प्राइम रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो होती है एकाग्रता की। आपका मन अगर एकाग्र नहीं है, एकाग्रता नाम की शक्ति आपके पास नहीं है, तो हीलिंग फिर जो है आपके लिए काम नहीं करेगी, चाहे जितनी मर्जी कोशिश करें। तो एकाग्रता कैसे हासिल होती है, क्योंकि जब ब्रेन मेडिटेशन हम सिखाते हैं तो उससे पहले हम एकाग्रता को डेवलप करने के लिए कुछ एक्सरसाइज देते हैं। वो एक्सरसाइज क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एकाग्रता को हासिल करने के लिए एक्सरसाइज प्राणायाम हो सकती है, त्राटक हो सकता है और योग निद्रा हो सकती है। प्राणायाम, त्राटक और योग निद्रा, इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम करते हैं। किसी को प्राणायाम देते हैं, किसी को योग निद्रा देते हैं, किसी को त्राटक देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि सामने वाले व्यक्ति का जो वो टेक्सचर है उसके माइंड का, वो कैसा है, वो किस तरीके से सीखता है, क्या चीज़ उसके पे काम करेगी। एकाग्रता हासिल होने के बाद हम सबसे पहले जो बाहरी हिस्से हैं ब्रेन के, जैसे कि 2 हेमिस्फीयर हैं, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और जो फ्रंट पार्ट है, बीच का पार्ट है, पिछला पार्ट है, इसमें जो इन हिस्सों पे हम मेडिटेट करना सिखाते हैं, यानी कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी अवेयरनेस है, उसको इन हिस्सों पर घुमाते हैं। फिर इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं, अंदर जो ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, कॉर्पस कैलोसम है, बहुत सारे इसके अंदर के पार्ट हैं, उन पार्ट्स में, यहाँ पीछे मिड ब्रेन भी है, यहाँ पे फोर ब्रेन भी है, तो इन पार्ट्स पे फिर हम मेडिटेट करना सिखाते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है गाइडेड मेडिटेशन होती है। गाइडेड मेडिटेशन की मदद पे हम अपनी कॉन्शियसनेस को ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर रोटेट करते हैं। उससे इतना ज़बरदस्त सूदिंग इफेक्ट आता है कि एक बारी करने से ही जो व्यक्ति जो है वो मदमस्त हो जाता है, उसको बहुत अच्छा अनुभव होता है सिंगल टाइम करने से ही। आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोई भी मेडिटेशन तकनीक, खासतौर पे ब्रेन मेडिटेशन या ब्रेन हीलिंग से संबंधित जो तकनीक है, उसको हम रिकमेंड नहीं करते कि आप खुद से करें। हमसे मत करें, वो कोई इशू नहीं है, किसी भी योग के टीचर की कंसीडरेशन में उसको करना आवश्यक होता है। फिर हीलिंग कैसे ली जाती है, ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति को किस प्रकार की हीलिंग की आवश्यकता है और कौन से ऑर्गन पर हीलिंग की आवश्यकता है। उस ऑर्गन से रिलेटेड जो प्राकृतिक सोर्स है उस वो तय किया जाता है कि उस ऑर्गन पे सूर्य हीलिंग देनी है, ब्लू लाइट हीलिंग देनी है, मून लाइट हीलिंग देनी है, तत्वों में से किसी तत्व की हीलिंग देनी है या वाइट लाइट हीलिंग देनी है। वो डिसाइड करने से, या फिर सिंबल हीलिंग भी होती है, देवता हीलिंग भी होती है, देव हीलिंग भी होती है, कई प्रकार की हीलिंग होती है, वो डिसाइड करने के बाद फिर उसको वो हीलिंग सिखाई जाती है कि इस पार्ट पे आपको इस तरीके से हीलिंग देनी है। और वो फिर जब रिजल्ट मिलने लगते हैं तो फिर उस सीलिंग को बंद करके कुछ दिनों के गैप के साथ फिर करवाया जाता है। इस तरीके से ब्रेन हीलिंग की जा सकती है और ब्रेन के डिफरेंट ऑर्गन्स को हीलिंग से भी दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम हो तो बात दूसरी है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेडिकल अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये अल्टरनेटिव थेरेपी है। इसको मेन थेरेपी मान के अभी जो उतना डेटा नहीं है साइंटिफिक, उसको यूज़ किया जा सके, तो इस तरीके से हम ब्रेन हीलिंग का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन मंगलमय है।